Hey guys, this is Ankur Sama from Autofresh Detailing Academy. Learn every detail के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है. Guys, ये वीडियो है ग्लास पॉलिशिंग एंड कोटिंग के बारे में. अगर आप लोगों ने हमारा इससे पहले का YouTube लाइव देखा था तो ये उसके सीक्वेंस में वीडियो बना रहे हैं. अगर आप लोगों ने वो हमारा YouTube लाइव मिस किया है तो उसका रिकॉर्डिंग हमारी चैनल पे ज़रूर से देख लीजिएगा इससे पहले, तो ये वीडियो पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे लर्न एवरी डिटेल सीरीज़ में एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं. यह है ग्लास पॉलिशिंग के बारे में. जैसे आप जानते हैं कि आपका पेंट ख़राब हो जाता है इंडिया का रोड फिल्म, ट्रैफिक फिल्म पॉल्यूशन से, वैसे ग्लास भी ख़राब हो रहा है. अब ग्लास के ऊपर ये पॉल्यूशन और रोड फिल्म जो जमा हो जाती है ये जल्दी से निकलती नहीं है डे टू डे वॉशिंग में. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये बिल्टअप होती रहती है और बिल्टअप होने के कारण आपकी विजिबिलिटी या विजन में ये इम्पैक्ट करती है. तो ये ग्लास क्लीन करने का एक नया पॉलिश करके तरीका है. इसके अंदर हम लोग सीरियम ऑक्साइड कंपाउंड से इसको साफ़ करते हैं. सीरियम ऑक्साइड पाउडर जो रेयर मिनरल से बनता है जिससे ग्लास के रॉ मटेरियल्स भी होते हैं, तो ये उसके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है. तो ये आप पॉलिश करना है पॉलिशर से. नाउ पॉलिशर के लिए डिपेंड करता है ग्लास की कंडीशन. आज हम जैसे ये काम कर रहे हैं 18 साल पुरानी टोयोटा करोला पे, इसका ग्लास अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है और बहुत ज़्यादा इस पर फिल्म्स बिल्टअप हैं. तो इस तरह के ग्लासेस में, इतनी बैड कंडीशन वाले ग्लास में, वी वुड सजेस्ट कि एक रोटरी पॉलिशर को यूज़ करना चाहिए. बट अगर आपके पास रोटरी पॉलिशर नहीं है तो रैंडम ऑर्बिटल पॉलिशर से भी ये ग्लास को पॉलिश किया जा सकता है. रोटरी इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा काम जल्दी होगा और थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तो इस तरह के एग्रेसिव मार्क्स निकालने के लिए रोटरी कुड बी ए परफेक्ट सोल्यूशन. हमने जो देखा है इंडिया में कि रोटरी की काफ़ी पॉपुलैरिटी है, इसलिए खास करके ये वीडियो में पहला पार्ट हम लोग रोटरी से करके दिखाएंगे आपको. तो आइए पहले स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं. तो पहला स्टेप होगा आपको ग्लास क्लीनर से पहले ग्लास को साफ़ करना है. एक बार ग्लास क्लीनर से अच्छे से साफ़ होने के बाद आपको सेकेंड स्टेप इज़ लाइक क्लेइंग, डीकंटैमिनेशन. जो क्ले यूज़ करना चाहिए, क्ले इज़ नॉन हार्मफुल फॉर कार, तो बिल्कुल भी कुछ इसमें हार्म नहीं करेगा. तो क्ले करके जितना भी ऊपर कुछ भी कंटैमिनेशन चिपका हुआ है उसको आपको निकालना है. थर्ड स्टेप इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस ग्लास को पॉलिशर से, सिरामिक ऑक्साइड कंपाउंड से पॉलिश करना है. तो वो पॉलिश को अपन विस्तार में स्टेप बाय स्टेप भी समझेंगे. एंड फोर्थ स्टेप, ग्लास को फिर से पूरा प्री क्लीन से क्लीन करके इसके ऊपर नैनो कोटिंग्स अप्लाई करना. आइए शुरू करते हैं ये वीडियो स्टेप नंबर 1 से. आइए गाइस अपन शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1. यहाँ पर एक छोटा सा डिटेलिंग टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. जब भी आप ग्लास पॉलिशिंग कर रहे हैं तो हमेशा कार वॉश से पहले करना चाहिए. ग्लास को पॉलिश करते हुए काफ़ी मेसी और काफ़ी गंदा हो जाएगा. तो जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, ग्लास पॉलिश हो गया, हेडलाइट रिस्टोरेशन हो गया या इंजन डिटेलिंग हो गया, ये हमेशा इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि कार वॉश से पहले किया जाए. यहाँ पर हम लोग पहला स्टेप शुरू कर रहे हैं ग्लास क्लीनर से. हम लोग एक डिटेल मैक्स का ग्लास क्लीनर यूज़ कर रहे हैं जो स्पेशली ऑटोमोटिव विंडशील्ड्स के लिए बनाया गया है. एमोनिया फ्री है, स्ट्रीक फ्री है और काफ़ी तरह का डर्ट और पोल्यूशन फिल्म को निकालने में कैपेबल है. तो ग्लास क्लॉथ को यूज़ करते हुए पहला स्टेप हम शुरू करेंगे कि ग्लास को क्लीन करना है ग्लास क्लीनर से. सो गाइज, ग्लास को क्लीन कर लेने के बाद सेकेंड स्टेप होता है ग्लास को क्ले करना.
क्ले करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये डिकंटैमिनेट करता है, जो भी ग्लास के ऊपर छोटी छोटी चीज़ें चिपकी हुई हैं उसको क्ले निकालता है। आप क्ले का टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं या क्ले का बार भी यूज़ कर सकते हैं, डजंट मैटर, बट क्ले करने से पहले हमेशा आपको एक प्लास्टिक बैग में हाथ डाल के कहाँ कहाँ पर किस तरह से छोटे छोटे दाने हैं वो चेक करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे दाने हैं, अगर पेंट स्पॉट्स दिख रहे हैं इस टाइम पर, तो आपको थिनर से पेंट स्पॉट को निकालना होगा, नहीं तो सीधा क्ले आप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्ले इस ग्लास के ऊपर। ग्लास के ऊपर क्ले करने के लिए पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी एक्ट्स एज़ अ लुब्रिकेंट। तो पानी के अंदर अगर थोड़ा सा एक या दो ड्रॉप शैम्पू आप डाल दोगे तो उससे ये एक अच्छा क्ले लुब्रिकेंट हो जाएगा। और क्ले करते हुए हमेशा ध्यान देना है कि ड्राई नहीं होना चाहिए, सब जगह बराबर से पानी हो, वहाँ वहाँ पर आपको क्ले अच्छे से सर्कुलर मोशंस और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशंस, तीनों तीन मोशंस से क्ले से आपको कंटामिनेशंस को रिमूव करना है। यस गाइस, आइए शुरू करते हैं अपना स्टेप नंबर 3, विंडशील्ड पॉलिशिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस वीडियो। और सबसे पहले ग्लास को आपको हमेशा मास्किंग टेप से मास्क करना चाहिए। जब भी हम ये पॉलिशिंग करेंगे तो ये रबर बीडिंग्स के अंदर पाउडर घुस जाता है, तो इसीलिए बाद में निकालने के लिए बहुत मेहनत होगी। तो ब्रश लेके एक घंटा उस पर निकालने में जाएगा, इससे बेटर है कि चारों तरफ से उसको मास्किंग कर दिया जाए। और इस पॉलिशिंग को पॉलिश करने के लिए विंडशील्ड को हम स्पेशल ऑटोफ्रेश का ग्लास पाउडर यूज़ कर रहे हैं। ये सीरियम ऑक्साइड रेयर मिनरल से बना हुआ पाउडर है, ये इस तरह से कुछ फाइन पाउडर टेलकम पाउडर जैसा दिखता है। इसके अंदर साथ में बोरिक पाउडर जैसा प्रोडक्ट भी मिक्स किया हुआ है जो ऑयल्स को एब्जॉर्ब करेगा। और इस ग्लास को पॉलिश करने के लिए आपके नॉर्मल वूल पैड या फोम पैड नहीं काम करेंगे, आपको इसके लिए एक स्पेशल पैड आते हैं जो फेल्ट और रेयन का बना हुआ है, इसको ग्लास पॉलिशिंग पैड कहा जाता है। ये हार्ड ब्रश होता है, पतला थिन ब्रश होता है, इसी से ग्लास को पॉलिश किया जाएगा। तो ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, ग्लास को पॉलिश करेंगे सीरियम ऑक्साइड पाउडर, और इससे ये जो कंपाउंड है ये पाउडर फॉर्म में आता है, आपको पेस्ट बनाना है इसको। जितना भी पाउडर लेंगे उतना पानी लेके एक छोटी डब्बी में आपको हाथ से या चम्मच से मिला के एक पेस्ट फॉर्म रेडी करना है। जनरली जितने भी कंपनी के ग्लास कंपाउंड्स आते हैं ये सारे वाटर बेस्ड होते हैं, क्योंकि ग्लास के ऊपर हमेशा वाटर बेस्ड कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये पाउडर फॉर्म वाले को हम वाटर में मिक्स करके वाटर बेस्ड कंपाउंड पेस्ट खुद रेडी करते हैं और पूरे ग्लास पे अप्लाई करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये आज हम ये वाला जो ग्लास है इसको रोटरी पॉलिशर से पॉलिश करने वाले हैं। जब भी आप रोटरी पॉलिशर इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि फ्लेक्सी बैकिंग प्लेट का यूज़ किया जाए। ग्लास के कर्व को हमेशा फ्लेक्सी बैकिंग प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड बैकिंग प्लेट है आपका तो बीच में इंटरफेस लगाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि बीच में से हम टेप लगा देंगे, जिससे आपको पूरा आइडिया लगे कि ये आधा इस तरफ से किस तरह से बना है और कैसे होगा। और एक और डिटेलिंग टिप की अगर बात करूं तो हमेशा वाइपर्स को खड़े करके काम करना चाहिए। अगर आप वाइपर्स को रिमूव कर सकें तो बहुत अच्छा है, अगर वाइपर्स को रिमूव नहीं करना है तो वाइपर्स को खड़े कर दीजिए। ये जो पॉलिशिंग का प्रोसेस है काफ़ी मैसी हो जाता है, इसीलिए मास्किंग किया है, इसीलिए वाइपर्स को खड़ा किया है, नहीं तो सारा पाउडर को साफ़ करने में काफ़ी टाइम आपका बर्बाद हो सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे हम रोटरी पॉलिशर को यूज़ करते हुए फ्लेक्सी बैकिंग प्लेट के साथ कैसे इसको कंपाउंड पॉलिश करते हैं। यस गाइस, तो पॉलिशिंग पाउडर का हमने पेस्ट बना के रेडी कर दिया है। पेस्ट बहुत पतला या बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 50-50 वाटर के साथ आप एक थोड़ा सा माइल्ड डाइल्यूट करके इसको पेस्ट बना सकते हैं। पैड के ऊपर थोड़ा सा पानी मार के पहले आपको मॉइस्ट करना है पैड को। पैड को मॉइस्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा पेस्ट पैड के ऊपर लगाना है और बिल्कुल सेंटर में लगाना है उसको, और
सेंटर में इसको स्प्रेड करने के बाद हम इससे पॉलिशिंग करना शुरू कर सकते हैं। आप जैसे देखेंगे हमने ऑलरेडी टेप लगा के रेडी कर दिया है, हाफ ऑफ 50-50 आपको रिजल्ट दिखाने की ट्राई कर रहे हैं। इसमें इसको जब भी आप विंडशील्ड पॉलिशिंग करेंगे आपको एक वाटर बडी लगेगा, दो आदमी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये बार बार सूख जाएगा, तो पानी से मिस्ट कर करके इसको फिर से मॉइस्ट रखना पड़ता है। तो जैसे जैसे पॉलिशिंग बढ़ेगी, यस ये ग्लास काफ़ी हार्ड होने के कारण पॉलिशिंग टाइम आपकी नॉर्मल कंपाउंडिंग से काफ़ी ज़्यादा होता है। इस तरह के ग्लास में लगभग 15 से 20 मिनट इतने पार्ट पे हमें और प्रोडक्ट ले लेके पॉलिश करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। पॉलिशिंग स्टेप को बीच में से रोक के आपको हम एक डिटेलिंग टिप्स देने की ट्राई कर रहे हैं। जब भी आप रोटरी पॉलिशर का यूज़ करेंगे, रोटरी पॉलिशर को अराउंड 1500 RPM पर रखना है। यहाँ पर हम रुपेस का LH19 यूज़ कर रहे हैं 4 नंबर स्पीड पे, और ये इस तरह से पेस्ट जब सूखने लग जाएगा तो पानी और आपको स्प्रेड करना है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप के थोड़ा सा आपको पॉलिशर पे प्रेशर बना के रखना है, बहुत हल्के हाथ से पकड़ोगे तो ग्लास के स्क्रैचेस या स्वेल्स नहीं जाएंगे। लेट्स कंटिन्यू। तो गाइस इस तरफ का हमने ग्लास पूरा पॉलिश कर लिया है, इस तरफ का पॉलिश होना बाकी है। एक राउंड 20-25 मिनट्स का पॉलिशिंग विद ग्लास कंपाउंड हो चुका है, जिससे हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि 80-90% रिजल्ट्स आ चुके हैं। और अगर रिजल्ट्स आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगें तो एक और फिर से राउंड करना पड़ सकता है, जितना ग्लास ख़राब होगा उतने राउंड्स लग सकते हैं। आइए देखते हैं इसको बीच में से फील करके कि हमें एग्जैक्टली क्या रिजल्ट्स मिले हैं। यस गाइस, तो जैसे आप देख सकते हैं अपन ने जब आधा किया था उसको पूरा कंप्लीट कर दिया है, पूरा ग्लास अभी पॉलिश हो चुका है, सीरियम ऑक्साइड से हमने अच्छी तरह से साफ कर चुके हैं, पूरी तरह की पॉल्यूशन फिल्म्स और वाइपर मार्क्स छोटे छोटे स्वर्ल्स सब कुछ इससे पॉलिश हो चुके हैं। नाउ इट इज़ टाइम अपन एक नया स्टेप इसके ऊपर, जिसको कहते हैं नैनो कोटिंग्स या ग्लास पे सिरामिक कोटिंग्स को अप्लाई करते हैं लास्ट में। कोटिंग लगाने से एक दो फायदे और हो जाते हैं। कोटिंग लगाने से ये फ़ायदा है कि ग्लास पे जल्दी से पोल्यूशन जमा नहीं होगा, बहुत इजी टू क्लीन हो जाएगा। दूसरा वाटर ब्रीडिंग मिलेगा आपको, तो जब भी आप बारिश की सीज़न में ड्राइव कर रहे हैं वाटर फ्लाई अवे होगा हवा के प्रेशर से, आपकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी और यूवी से भी आपको यूवी रेस से भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं एक नैनो कोटिंग को अप्लाई करने का। आज हम यूज़ करने वाले हैं डिटेल मैक्स की जी मैक्स, जो स्पेशली ग्लास के लिए कोटिंग्स बनाई हैं। तो ये स्टेप का पहला, ये स्टेप में दो हिस्से हैं। पहला स्टेप है कि इसको पहले वाइप करना है, प्री वाइप। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस्ड क्लीनर है जो पूरे ग्लास पे से पॉलिशिंग ऑयल्स या जो भी हमने अभी कंपाउंड्स यूज़ किए हैं, सीरियम ऑक्साइड का या वाटर का कुछ रेसिड्यू रह गया होगा, उसको पूरे अच्छे से साफ करेगा। साफ करने के बाद हम सीधा इस पे ये कोटिंग अप्लाई करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना स्टेप कि ये कैसे कोटिंग्स को अप्लाई किया जाए विंडशील्ड पे।
सबसे पहले प्री वाइप को आप माइक्रोफाइबर के ऊपर थोड़ा सा स्प्रे करेंगे और बाकी का ग्लास के ऊपर स्प्रे करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। स्प्रे करने के बाद आपको इसको सीधे डायरेक्शंस में साफ करना है। ये बहुत जल्दी इवोपरेट होता है। इवोपरेट होने के कारण ये अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट जो हर तरह की मिट्टी या उसको जो भी लास्ट मिनट डर्ट है उसको निकाल देता है। बार बार आपको माइक्रोफाइबर को ट्विस्ट करना होगा, नहीं तो सारी मिट्टी के साथ में आपका माइक्रोफाइबर चलने लग जाएगा। अब जैसे कि हम ये पूरा ग्लास को प्री वाइप से क्लीन कर चुके हैं, अब टाइम है इसके ऊपर नैनो कोटिंग लगाने के लिए। आज जैसे मैंने पहले बताया मैं जी मैक्स यूज़ करने वाला हूँ। ये 15 ml की बॉटल में साथ में एप्लीकेटर्स के साथ में आता है और लगाने का तरीका इसका बहुत आसान है। इसके साथ में एप्लीकेटर्स दिए हुए हैं, अगर आपका एक एप्लीकेटर गंदा हो जाए तो साथ में दूसरे एप्लीकेटर्स भी हैं। आइए शुरू करते हैं कैसे कोटिंग को लगाया जाए। जितना हो सके इसका आपको थिन एकदम पतला कोट लगाना है। एक्सेस प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है, एक्सेस इज नॉट गुड। और पहली बार उसको वर्टिकल मोशंस में लगाने के बाद आप इसको हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं या पहले हॉरिजेंटल करके बाद में वर्टिकली भी लगा सकते हैं, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। और एक फाइनल राउंड इतने एरिया में थोड़ा से 2-3 ड्रॉप्स लेते हुए जहाँ से शुरू किया था वहाँ से आप उसको वर्टिकली आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल भी कहीं भी आपको स्पॉट छोड़ना नहीं है। जहाँ भी आपको नज़र आए कि आपने कहीं पे भी कोटिंग मिस करी है लगाने में तो लगाते लगाते इमीडिएट उससे कवरेज कर सकते हैं। कवरेज को कंप्लीट करते हुए अगर आपको राउंड भी करना पड़े तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टेक्निक यह है कि पूरा का पूरा एरिया हर एक स्क्वायर इंच आपको कोटिंग से कवर करना है। आधे ग्लास पे कोटिंग लग जाने के बाद अपन दूसरे आधे ग्लास पे लगा सकते हैं। इसको 5-7 मिनट के लिए वेट करना है, उसके बाद एक फ्रेश माइक्रोफाइबर से इसको क्लीन अप करना है। आइए आगे चलते हैं और प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। सो गाइस, ये पूरे ग्लास पे हमने नैनो कोटिंग लगा चुके हैं। एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल देना चाहूँगा, जब भी आप ग्लास को कोटिंग्स करें तो वाइपर को नहीं भूलना है। 1-2 ड्रॉप लेने के बाद जो भी आपका कोटिंग का एप्लीकेटर यूज़ किया है उससे आपको अच्छी तरह से वाइपर के ऊपर भी कोटिंग लगा देनी है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने वाइपर के ऊपर कोटिंग नहीं लगाया है तो वाइपर नॉइस करेंगे, चैटर करेंगे, स्मूथली ग्लास के ऊपर घूमेंगे नहीं। तो जब भी आप ग्लास के ऊपर कोटिंग लगाएं हमेशा वाइपर के ऊपर भी लगाएं। तो इसको वाइप करने का टाइम हो गया। एक फ्रेश माइक्रोफाइबर लें और जहां से लगाना शुरू किया था वहां से इसको अच्छे से रब करके निकालना शुरू करें। लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, बिल्कुल भी हाई स्पॉट नहीं छोड़ना है। जहां पर भी आपको थोड़ा सा भी कोटिंग का दाग दिखे उसको रब करके अच्छे से माइक्रोफाइबर से रिमूव करना है। प्लीज़ रिमेंबर, ज़्यादा कोटिंग आपको परेशान करेगी, जितनी थिन कोट होगी उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। माइक्रोफाइबर को बार बार फ्लिप करते रहिए जिससे फ्रेश पार्ट से आप कोटिंग बहुत इजीली लेवल एंड एक्सेस को रिमूव कर सकेंगे। सो गाइस, ये था हमारा नैनो कोटिंग एंड विंडशील्ड पॉलिशिंग पे पूरा 4-स्टेप प्रोसेस।
इस गाड़ी पे हमने स्टेप बाय स्टेप आज समझा है कि कैसे ग्लास को पॉलिश किया जाता है और पॉलिश के बाद किस तरह से विंडशील्ड पे नैनो कोटिंग अप्लाई करी जाती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आपके कमेंट्स और फीडबैक से हमें प्लीज़ बताइएगा। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ हम लर्न एवरी डिटेल सीरीज़ में लेके आ रहे हैं आपके सामने। ऑटो फ्रेश डिटेलिंग एकेडमी का ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज़ अंकुर सामा साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑटो फ्रेश डिटेलिंग एकेडमी। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ गाइस। सी यू सून अगेन।